हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि वर्ल्ड कप का आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला वेस्टइंडीज वोमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वोमेन के बीच खेला जाएगा। इसके लिए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा मुकाबला है, क्योंकि जो भी इस मुकाबले में जीतेगी वो दोस्तों डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, फिर उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका वोमेन से होगा। तो मैं आप लोग से बस यही चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास तीन ऑप्शन है, एस कैंपबेल दोस्तों वेस्टइंडीज वोमेन की तरफ से, जो कि दोस्तों फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगी, और नीचे से मैडी ग्रीन और इजाबेल गेज जो कि न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से हैं, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एस कैंपबेल को लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी। अब बैटिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में एस टेलर को नहीं खिलाया गया था और इनकी जगह पर दोस्तों क्वाना जोसेफ ओपनिंग की थी, और ये दोस्तों ओपनिंग करते हुए पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी और अपनी टीम को जिताई थी दोस्तों सेमीफाइनल के लिए। तो दोस्तों ये इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली टीम रहेगी, यहाँ पर दोस्तों टॉप ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए मैं टीम बनाऊंगा, फिर दोस्तों अगली जो ग्रैंड लीग की टीम रहेगी वो दोस्तों बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए, फिर दोस्तों एक टीम रहेगी वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करते हुए, फिर एक टीम रहेगी न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते हुए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं सूजी बेस्ट को लेकर चलूंगा, और दोस्तों नीचे से जॉर्जिया पिल्मर को, जिनका दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ, और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी। और जॉर्जिया पिल्मर को भी दोस्तों बहुत ही कम लोगों ने लिया है, मात्र 55% लोग। तो ये दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए हमारी ट्रम्प प्लेयर भी रहेंगी, और जैसा कि मैंने आपको स्पेशल ग्रैंड लीग की वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो कोशिश आपको ये करना है कि तीन से चार आपको ऐसे खिलाड़ियों को रखना है जिनको दोस्तों 50% या फिर उनसे कम लोगों ने लिया हुआ है, जो कि आपको अच्छा खासा रैंक दिलाएंगी और आपको जीतने में भी आसानी होगी। तो दोनों दोस्तों यहां पर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को लेने के बाद क्वाना जोसेफ को भी लेकर चलूंगा, जिनको मात्र 65% ही लोग लिए हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों यहां पर ब्रूक हेलिडे और नीचे से सी नेशन का। तो सी नेशन का बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो इनको आपको इग्नोर करना है। ब्रूक हेलिडे को आपको तभी लेना है जब दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो यहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगी जो कि अच्छी फॉर्म में है। तो सबसे पहले दोस्तों वेस्टइंडीज वोमेन की तरफ से बात करें तो एच मैथ्यूज को लेने के बाद नीचे से दोस्तों डी डॉटिन को लेंगे, जो कि दोस्तों तीन से चार ओवर दोनों बॉलिंग भी कराएंगी और बैटिंग पोजीशन भी दोनों का टॉप ऑर्डर में ही है। और दोस्तों पिछले मुकाबले में मैथ्यूज ने टॉप ऑर्डर से दोस्तों अर्ध तक ये पारी भी खेली थी और दो विकेट भी ली थी, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। अब नीचे से बात करें तो दोस्तों सोफी डिवाइन को लेने के बाद अमेलिया केर को लेंगे, और इस मुकाबले में जो सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाली है अमेलिया केर और सोफी डिवाइन ही रहेंगी, तो इन पर बहुत ही ज़्यादा लोग फोकस करेंगे। तो दोस्तों आपको टीम बनाते समय सेफ प्लेयर को भी अपनी टीम में रखना है ग्रैंड लीग में, और दो से तीन ऐसे खिलाड़ियों को भी रखना है जिनको कम लोगों ने लिया है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। नीचे से बात करें तो सी हेनरी का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। बाकी अल्यानी का दोस्तों मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चांसेस इनको बहुत ही कम मिला है। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स हैं जो कि यहाँ पर थोड़े मतलब अच्छे फॉर्म में भी हैं लेकिन कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एफ ए फ्लेचर को लेकर चलूंगा, जो कि पिछले मुकाबले में भी शानदार विकेट ली हैं और शुरू से विकेट ले रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट इंडीज वोमेन की तरफ से ये चार ओवर बॉलिंग कराएंगी, क्योंकि नीचे से दोस्तों करिश्मा रामहरक की बात करें तो ये दोस्तों पिछले मुकाबले में मात्र एक ओवर ही बॉलिंग कराई थी, तो थोड़ी सी रिस्की रहेंगी, तो इसलिए दोस्तों मैं इनको नहीं लूँगा। अब नीचे से बात कर रहे थे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी टीम में दो से तीन या फिर चार ऐसे खिलाड़ी को रखना है जिनको कम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा कि दोस्तों रोजमेरी मायर को लेने के बाद दोस्तों नीचे से एडी कार्सन को ना लेकर यहाँ पर मैं ली टाहू को लूँगा, नहीं तो दोस्तों फ्रैंक जोनस को। फ्रैंक जोनस भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि पाँच मुकाबले में इन्होंने 7 विकेट लिया है दोस्तों वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ, फिर भी इनको मात्र 12% लोग ही लिए हैं। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों पर ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग चाहें तो एडी कार्सन को भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले भी खिलाड़ी हैं और पहले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली थी, फिर उसके बाद 2 मुकाबले में कुछ नहीं मिला और पिछले मुकाबले में 1 विकेट इन्होंने लिया है शायद। तो ये होगी दोस्तों यहां पर हमारी पूरी टीम कॉम्बिनेशन। अब नीचे से बात कर रहे थे दोस्तों यहां पर जेड जेम्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो इन पर कम फोकस करना है। तो दोस्तों अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लें तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों अमेलिया केर को कैप्टन करने के बाद एच मैथ्यूज को वाइस कैप्टन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग उल्टा करेंगे, हम लोग एच मैथ्यूज को कैप्टन करेंगे और अमेलिया केर को वाइस कैप्टन।
क्यों? क्योंकि दोस्तों एच मैथ्यूज एक तो ओपनिंग बैटिंग भी करेंगी और पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी भी खेली हैं और चार ओवर बॉलिंग भी कराएंगी। एमेलिया केयर भी दोस्तों चार ओवर बॉलिंग कराएंगे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है इनका और ये दोस्तों उतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है बैटिंग से, 25-30 रन केवल बनाती हैं, अर्धशतकीय पारी अभी तक ये नहीं खेलने पाई हैं। तो एच मैथ्यूज मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस प्लेइंग 11 में दोस्तों हम लोगों ने कुछ ऐसे भी प्लेयर्स को लिया है जिनको कम लोगों ने लिया है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस टीम की प्रीव्यू के ऊपर, फिर उसके बाद बाकी सारी ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर पहली ग्रैंड लीग की टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारी कप्तान रहेंगी एच मैथ्यूज, वाइस कप्तान एमेलिया केयर, विकेट कीपर्स में कैंपबेल को रखा हूँ, बाकी हमारे जो तीनों बैट्समैन हैं ये ओपनिंग करने वाले हैं, जॉर्जिया पिल्मर सूजी बेस्ट न्यूजीलैंड की तरफ से और क्वाइन जोसफ वेस्ट इंडीज की तरफ से। चार मैंने ऑलराउंडर को लिया और तीन मैंने बॉलर लिया, रोजमेरी मायर, ली टाहू और यहाँ पर दोस्तों एफी फ्लेचर को। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारी पहली टीम थी वो दोस्तों पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप को सपोर्ट करते हुए रहेगी, तो दोस्तों जो हमारी ये दूसरी टीम है ये पूरी बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए रहेगी। अगर बाय चांस लो स्कोरिंग मैच होगी या बॉलर्स को सपोर्ट मिला तो किस हिसाब से आपको टीम बनानी चाहिए, तो ये दोस्तों ये उसी हिसाब से मेरी टीम रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस यही बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले मिले। ये तो दोस्तों आप लोग ग्रैंड लीग की वीडियो देख रहे हैं, इस मैच के ऊपर एनालिसिस वाली वीडियो मैंने बहुत ही पहले ही अपलोड कर दिया है, सबसे पहले तो आप लोग जाकर उसे भी देख लीजिए अभी तक नहीं देखी हैं। तो दूसरी टीम में मैंने क्या किया कि ना ही मैंने यहाँ पर क्वाइन जोसेफ को लिया है, ना ही मैं जॉर्जिया पिल्मर को लिया हूँ, इनकी जगह पर दोस्तों मैं बॉलर्स पर फोकस किया हूँ, क्योंकि साफ बात है क्योंकि ये दोनों ओपनिंग करेंगी तो ओपनिंग दोस्तों बैट्समैन को मैंने नहीं लेना है, क्योंकि अगर पिछली टीम में मैंने इनको लिया है तो अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं तो ये टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और अगर ये फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि इन दोनों का फ्लॉप होने का भी चांसेस ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी टीम बेस्ट रहेगी। फिर उसके लिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि दोस्तों ना ही मैं एच मैथ्यूज को कैप्टन किया हूँ, ना ही मैंने एमेलिया केयर को, यहाँ पर मैं डी डॉटिन को कैप्टन किया हूँ, क्योंकि इनको मात्र 2-3% लोग ही कैप्टन किए हैं और ऐसा नहीं है कि अच्छी फॉर्म में नहीं है, पिछले मुकाबले में भी 100 से ज़्यादा पॉइंट्स दी थी, और वाइस कैप्टन मैं एमेलिया केयर को कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैंने विकेट कीपर से कैंपबेल को ही रखा है, सूजी बेस्ट हमारी दोस्तों ओपनिंग करेंगी, इनको मैंने लिया है। बाकी मिडिल ऑर्डर से सोफी डिवाइन है दोस्तों, यहाँ पर डी डॉटिन है, एमेलिया केयर है, एक ओपनर मैंने लिया एच मैथ्यूज और एक ओपनर सूजी बेस्ट। बॉलिंग सेक्शन से बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दोस्तों मैंने एफी फ्लेचर को लिया है और करिश्मा रमहरैक को, जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से बहुत ही बेस्ट बॉलर है, और फिर नीचे से बात करें तो दोस्तों मैंने न्यूजीलैंड की तरफ से रोजमेरी मायर को, फ्रेंच जोनस को और एडी कार्सन को मैंने लिया, यहाँ पर मैं फ्रेंच जोनस को ले रहा हूँ जिनको मात्र 12% लोगों ने लिया है। और तो दोस्तों ये हो गई हमारे यहाँ पर दूसरी टीम, जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन भी दोस्तों मैंने, कैप्टन तो दोस्तों मैंने पूरा यूनिक रखा है, साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं फ्रेंच जोनस को लिया हूँ, एडी कार्सन को लिया हूँ, रमहरैक को लिया हूँ जिनको कम लोगों ने लिया है। तो ये दोस्तों हो गई हमारे यहाँ पर दूसरी टीम, जो कि हमारी बैट्समैन को नहीं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स को सपोर्ट करते हुए रहेगी और बेस्ट दोस्तों ये टीम रहने वाली है मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी टीम के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था कि दोनों टीम्स के बीच दोस्तों 22 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड वोमेन ने 17 बार बाजी मारी है और वेस्ट इंडीज़ वोमेन मात्र पाँच बार केवल जीती है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि न्यूजीलैंड वोमेन का पगड़ा कितना ज़्यादा भारी है। तो दोस्तों जो हमारी ये तीसरी टीम रहेगी ये पूरी की पूरी न्यूजीलैंड वोमेन को सपोर्ट करते हुए रहेगी। यहाँ पर मैं न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर भी फोकस करूँगा और बॉलर्स पर भी, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और थोड़ा बहुत ऑलराउंडर और बॉलर। तो कैप्टन हमारी रहेंगी दोस्तों एमेलिया केयर, यहाँ पर मैं एमेलिया केयर को रख रहा हूँ, वाइस कैप्टन मैं रोजमेरी मायर को बना रहा हूँ, क्योंकि एक बैट्समैन ऑलराउंडर रहेंगी और दोस्तों यहाँ पर एक बॉलर। अब बात आ जाती है बैटिंग सेक्शन से, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मैं कोई भी बैट्समैन को नहीं लिया हूँ, न्यूजीलैंड की तरफ से जॉर्जिया पिल्मर सूजी बेस्ट को मैंने लिया जो कि ओपनिंग करेंगी, मिडल ऑर्डर से एमेलिया केयर और सोफी डिवाइन को मैंने लिया था। ये दोस्तों चार मैंने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को लिया है न्यूजीलैंड की तरफ से, बॉलिंग से एडी कार्सन, रोजमेरी मायर, ली टाहू। अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करें तो कोई भी दोस्तों मैंने टॉप ऑर्डर से ज़्यादा बैट्समैन नहीं लिया है, केवल एच मैथ्यूज़ को मैंने लिया है एक ओपनर को, बाकी दोस्तों मिडिल ऑर्डर से कैंपबेल को लिया है, डॉटिन को मैंने लिया है और डॉटिन और एच मैथ्यूज़ बॉलिंग भी कराएंगी और नीचे से एफ फ्लेचर को मैंने लिया है। तो दोस्तों मैंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से चार ऐसे प्लेयर खिलाड़ी को मैंने लिया है जो कि कन्फर्म है कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगी, और बाकी दोस्तों मेरी पूरी ये जो टीम है न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते हुए रहेगी। तो दोस्तों ये हो गई हमारे यहाँ पर तीसरी टीम, जो कि पूरी न्यूजीलैंड को फेवर करते हुए रहेगी। अब बात कर लेते हैं चौथी टीम के ऊपर। अगर बाई चांस पिछले मैच की तरह साउथ अफ्रीका दोस्तों वापसी कर जाए और दोस्तों
अगली टीम को दोस्तों शौक दे दो, तो ये दोस्तों उस हिसाब से मेरी टीम है, ये पूरी वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट करते हुए टीम है। तो यहाँ पर मैं एपी फिलिचर को कैप्टन किया हूँ, वाइस कैप्टन सुजी बेस्ट को, और यहाँ पर आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन किसी और को भी कर सकते हैं, एच मैथ्यूज को भी और डॉटिन को भी। और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या किया हूँ कि न्यूजीलैंड की तरफ से मिडिल ऑर्डर पर फोकस किया हूँ और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से टॉप ऑर्डर पर। तो क्वेन जोसेफ और मैच मैथ्यूज को मैंने लिया जो कि ओपनिंग करेंगे, फिर डॉटिन और कैंपेबेल को मैंने लिया है, फिर रगमारैक और एपी फिलिचर को। बाकी दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से मैं मैडिग्रीन को लिया हूँ जो कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे, बैटिंग कर रहे हैं, सुजी बेस्ट, अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन और एक मैंने बॉलर रोजमेरी मैर को मैंने लिया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारी यहाँ पर पूरी टीम कंप्लीट। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के।